लहाऊ दल जिनके घर माँ जिनके छठी पूजी तलवार वीर भूमि माँ बसन चंदे लो घर घर सूर धर अवतार जब बरस 18 के आल्हा औ 16 के भंवर प्रथम गुरु वंदन करूं और जोरू मैं तार झकोरन ते मन मुग्ध करो जानकी महारानी यह काव्य कला रस भाव अलंकृत कंठत स्रोत बहाय मम वाणी पद बंदत संत तुम्हारी सदा अबलाज समा बैठो शारदा मोर ढोलक माओ जोड़ी में बैठो वीर हनुमान अब कंठ में बैठो मम कंठेश्वरी माता शुद्ध चलाए मम गान सूर्य चंद्रमा तुमका सुमिराए कई रहे दुनिया माँ उजियार महिमा गाँव से सनाग का साधे तीन लोक का भार अब करो विलंबा ना जगदम्बा बम्बा कंठ विराज और भूल पर ना कहूँ कविता माओ सुंदर दीन छंद बना शंकर काशी वाले बाबा विश्वनाथ महाराज तुम अन्नपूर्णा का संग लायो हरदम भरा रहे भंडार जो सर दीन हो तुम कोई लीका कुकू कराए नाम कैदार वह सर जननी हम का दे जो सहरा का हम नरेशन ज्ञान बातन बातन पत बड़ू हो जाए यो बातन में बाढ़ी जाए रात फिर बात पछाड़ी हल्ला हो जाए जान से निकल पड़े तलवार फिर चले सिरोही निर्मोहिन का धरती मांगी धर्म द्वार और खड़ 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 खड़ते गह बाजी बाजी छपा छप तलवार नगर महोबा काशी होइगा
ओ गंगा भाई की रतुआ ताल कौल लक्ष्मी जह परहारी भोगत राजी भूप परी आल्हा उदल जिनके घर माँ जिनके छठी पूजी तलवार वीर भूमि माँ बसन चंदे लाओ घर घर सूर धरे वही महोबे कह गाथा हम आल्हा मकीन तैयार मत करो सोर सुनो चित दई के भैया हो मान्यो कहा हमारे जब बरस 18 के आल्हा भे आओ सोलह के भंवर मलखा भाई लगी बारही जब उदल कर तब मारो मान्यो निशान भाई संगम हो बाक्या जाजत महारानी से जंगल ख्याल गाय शिकार ना हिरन मारी माहिल के दिहनियो बगिया दिहनियो रहे उजार बहुत सुंदर मना की हो माली का मारो डंडन बकला दिया छड़ाई भाई गगरी फोरी कुआं पर दिहनो पायो खबर मही पतिराय तब आलन लागे अभय सिंह से तनी उदल काला हो बोलाय कागत पर नहीं अभय सिंह कह तुरत कुछ दिन करवाय जहाँ बेंदुला के चढ़वैया ये भाई तहाँ पहुँची गे जा सुनो कहानी बखबूदल का यमना राख दे लगाए पोती नहीं सारा है ये भाई का ये भाई गिरे न कबरा जा आले ये कहानी आपको हम दे रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी मतलब माड़ो की लड़ाई यानी बाप का बदला। जब आल्हा की उम्र मात्र 6 साल थी मलखान की उम्र 4 वर्ष थी उदल की उम्र तब गर्भ में थे। जब उदल गर्भ में थे तब मारवाड़ का राजकुमार करिंगा दशहर पूर्वा पर अटैक करता है देशराज और बच्छराज की निर्मम हत्या करता है। आज आल्हा की उम्र 18 वर्ष की हुई उदल की उम्र 12 वर्ष की हुई तब आल्हा उदल मलखान ढेबा आदि महोबा के राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं माहिल के हिरन मार देते हैं कुएं में गगरियों को फोड़ देते हैं। पता लगा माहिल को अपने राजकुमार को बुलाते हैं अभय सिंह से कहते हैं कि उदल को बुला करके लाओ। उदल और अभय सिंह में झड़प हो गई। उदल ने क्या किया अभय सिंह को घायल किया और महोबा निकल गए। पता लाग जब यहु माहिल का तूरत लिल्ली लिया सजाए धुरा दबाए महोबा आए जहां पर रहा चंदेला लगी कचहरी पर मालिक के
जहाँ अजगर लाग राज दरबार, देश देश के योद्धा बैठ टिहना धर नगिन तलवार। मावा माहिल का आगमन होता है महाराज परिमाल के दरबार में, तब ए मारी दुहत्थड़े छाती माँ बोलते उराई के परिहार। आवाज बढ़ाएं इसकी। ऐसी अबानी माहिल वाला अबना रखें देर लगाई, का एक दिन करिया पुरवा चढ़ेगा घर घर पुरवा लिया लुटाई। बहुत सुंदर। देश राज या बाचा राज का करिया कोल्हू दिया पेराई, टंगी खपड़िया है बरगद मा वाभा बोली बोली रह जाए। ई हुए बहादुर महतारी के तो मारो मलैले बाप के दान। ई बात लागी गई यह कला के भूसा गई बदन माछाई, क्यों तैयारी रहमान हो गए यही का कहे लहुरवा भाई। वही दिन राजा यही से बोले लाला का गयो बाउराई, कहिया भाई उमरिया बहुत थोड़ी हो वाठन बहाय दूध कैला, मरा सिरोही कह जानो ना कौने घाट बजाय तरवार। तब बदल पैतड़ा उदल बोले भेड़ा कहे महो बागात, कांत सरिहा भा दुनिया मर छाले उदल कह तलवार। बरस का छात्र गलरी का काहे न जाइठ मूछ का बार, ओ बीस बरस मां बैरिक मारे नहीं अवतार दुरागा क्या। ये बहुत समझावा याद चंदेला माने नहीं लहुरवा भाई, कहीं सुनो कहानी अब उदल के माता पास पहुंचे जाए। ये पाव लागे का महतारी के रोवा सिंह महोबा क्या, बड़े जोर से महलन रोवे भेड़ा आज महो भाग्या। भाई पिनुरिया महतारी का हौका बैठ प्याट मारियाय, का कौने कारण का तुम रोवो लाला हम का दियो बताई। तब जोर के दोरिया बूदल बोले मुर्जग जननी बोलव नाय, बाप हमारे का को मारा हम का याद दियो बतलाय। कपै पिनुरिया महतारी का हौका बैठ प्याट मारियाय। उदल ने माँ से कहा, माँ हमारे पिताजी को किसने मारा और कैसे। माँ पहले तो समझाने का प्रयास करती है लेकिन जब उदल नहीं मानते हैं, लीन होते गाया सहा थे माँ यौ गर्दन मा धरा कै मूड़ काटी महलन मर जाइबे ना ही तो दी जाए भेद बताए। माँ आज बताती है उदल से, कहती है कि बेटा बहुत पुरानी ये बातें हैं, जो हम तुमका रहे बताए, जैसे मरन भयो दादा का ब्योरा सब दिया बतलाए। बिगड़ा उदल अब महलन मा वही दिन बैन कहा गोहराए, अब हम जय बैगढ़ माड़ो का बदला लिया बाप का जाए। तब बोलवाए कहे सैयद से द्यावली बार बार समझा, जब से मारी गए पिया हमारे तुम्हारी छांह गए बैठाए। उदल मचले हैं माड़ो का इनका माड़ो लाओ दिखाए, चाचा सैयदवा
ताही दिन वाला यावना राखें तेरा लगाई कहाँ होई निश्चिंत रहो महलन माओ खटका कौन बात कहनाई कहाँ गिरी पसीना जहाँ लारी कान का सैयद दही है खून बहाई पकड़ कर लैया तब उदल के चाचा संगमा चले हैं लेवा ही आज बेंदुला के चढ़वैया आगे बढ़े लहुरवा भाई तब सुनो कहानी अब उदल के आल्हा पास पहुंच जाए ही जोर गदरिया ऐसे बोल रहे दादा खता माफ हो जाए तुम सुखते बैठो ना बंगला मा अब माड़ो का हो तैयार बाप हमारे करिया मारे वाले सिंह महो बाग्यार कहीं सुनो कहानी अब याला कह याला साफ करें इनकार कहीं जो को चना चबा लो है के वह मारो कहूँ है तैयार हे लिहनियों देगा तब हाथे माँ वैसे वाले उदय चला राय नहीं अगर न जाई हो तुम मारो का तो वन बंद बात हो जाए ही सुखते रहिए तुम महुबा मा यकीले जाई है लहुरवा भाई तैं सुनो कहानी पखनांदन का मारू बिगुल दिया बजवाई मारू अडंका बाजन लागो हव कै हाव हाव करनाल तैं सुनो कहानी या महुबा कै भाई यह सांच बतावे हाँ कूदल जब जबरदस्ती करते हैं आल्हा को हामी भरनी पड़ी माड़ो के लिए तैयारी करनी पड़ी ढेबा को बुलाया ढेबा ढेबा के पास में माता शारदा की दी हुई वो पोथी थी जिसमें वो सारा सगुन बिचारा करते थे। आल्हा ने कहा भैया ढेबा खोली पात्रिका माँ तुम देखो बना राखो देर लगाए कैसे चलना है माड़ो का जियरा धीर धराना जाए वही दिन ढेबा यही से बोले बना राखे देर लगाए बनी बैरागी चलो महल माँ माता के पास पहुँचो जाए माता अगर ना पहचानेंगी तो माड़ो में काम पूरा हो तो बनी बैरागी गे महल यही देश राज खेला कैसे करी हो युद्ध लखब आखिन सो जाई भजन नगाड़ा यवदल गंजन बहुबा भौज भई तैयार जा घरी घरी पगा जा बाजा दुई दुई घरी बजा घरियात भाई पहिल नगारा माजी न बंदी दूसरे का मार कसाए हथियार कूच नगारा बाजन लागो भाई आहु मानो कहा हमार ओ चली भालस गर गर महुबा से भाई आहु मानो कहा हमार दिन के मंजिल कई रे कतहू कराई बसेरा नाई
कयू दिना कै मंजिल कई कै बबूरी बने पहुँचे जाय तब खोल खिड़की आई अंबारी कै आल्हा देख नजर पसार जंगल देख आल्हा का बोल सैयद से ललका कंकन छोर धरा मल के का यवन राखो देर लगाय कही हमारी का तुम मानो पास भौजा लियो घुमाय नहीं जो कहूँ जंगल मा फस जाई हो महुआ लाख पास हो मत घबराओ मन मा दादा बेड़ा राम लगाए हैं पाठ कहीं सुनो कहानी अब वो दल के भाई मानो कहा हमार जितनी फौजे संग मा ले गे बबूरी बन मा दिया छिपाई ओ बन बैरागी मारो जय है जिनका कहे लहू रवा भाई महोबे की फौज को साज करके बनाफर आज माड़ो की ओर प्रस्थान करते हैं और माड़ो में बारा क्वास का बबूरी बना है जय कह गति बरणी ना जाए गम चिरैयो कह ना ही हो मनई भला कहां ते जाए बारह कोस का बबूरी बन जिसमें जितनी फौजे गई महोबा से बबूरी बन मा दिया छिपाए एक दिन बीता दुई दिन बीते तीसरो रोज पार हो चौथे दिन कह कहे कहानी ऐसे कहे लहुरवा भाई रोटी खाए ही आया ये ना माड़क गई है लहुरवा भाई तो ढेबा कहे बनो बैरागी भैया हो सुनाओ उदय चंद्रा वही गुदारिया नकान करावाया बना रखाएं देर लगाई तो ये कुगुदारिया सैयद पहिरे हो बुढ़वा जाऊनु बना रस क्यार एक गुदारी आया ला पहिरे जेठे अमांडरी खया तार भाई एक गुदारिया भूदल पहिरे लाला देश राज के लाल ये कुगुदारिया मालके पहिरियो तब आगे के सुनो हवाल की बनी बैरागी मारो चली भे भैया सुनिए ध्यान लगाई की घड़ी न बीती न पल गुजरा पहुंचे नदी नर्मदा जाए तो कई उधार हो बहाय नर्मदा जोगी देखी गए घबराई अब कैसे पार करें नदिया का या वह बात समझ माना नीच कमा दे के एक धोबी का रास्ता निकल पार हो जाए ये आए पहुंचे माड़वार माहे सुनवाई यह बोल बनाए ये जहां तर बानु रहो फाटक पै तह पै कहें लहुरवा भाई तुम फाटक खोल दियो माड़ो का यब का राख देर लगाए तब दरबानी वही दिन वाले हे सुनवाई यह बोलवनाई जब से करिया पुरवा लूटो फाटक बांध दीन करवाई फाटक खुली है ना मानो का बाबा सुनो दिगंबर राय तब कहो बेंदुला का चढ़वैया अब ना राखे देर लगाई काई उल्टा माला हंसर कई बे लाला झूठी नौ करी जाय ओ बिना मौत के लड़का मरी है तब तुम करी हो कौन उपाय देखा महोबा की फौज तो माड़ो के बबूरी बन में पड़ी हुई है और आल्हा उदल आदि बनाफर बैरागी बन करके माड़ो पहुंचते हैं फाटक पर जब पहुंचते हैं तो दरबान से कहते हैं कि फाटक खोल दीजिए कई दिना के हम भूखे हैं भोजन हमें मिला है नहीं
भिक्षा मंगी बे जाए नगरी माँ यही से कहा बना फर राय। दरबान ने कहा महाराज ये नहीं हो सकता है, जब से करिया पुरावा लूट्यो फाटक बंद दीन करवाए, फाटक खुली है ना माड़ो का बाबा खता माफ हो जाए। उदल ने माला उठाया और घुमाया कहने लगे हे दरबान सुनो उल्टा माला हम सर कह लाला छूटी नौ करी जाए, बिना मौत के लड़का मरी है तब तुम करी हो कौन उपाय। जोरी गदोरिया कहे दरबानी कहे बाबा खता माफ हो जाए, तुम उल्टा माला ना सरकायो हम खिड़की का रहन खोलवाए। जैसे आज हम आ रहे थे दरबान हमको रोक दिए, इस गेट से नहीं आगे वाले से जाओ, वहां पर जब पहुंचे तो कहे इससे नहीं आगे वाले से जाओ। हम बहुत देर तक भटकते रहे, हमको लगा कहीं हम लेट ना हो जाए। ऐसे ही जब बनाफर को रोका उदल ने झटका दिया चकमा दे दिया, दरबान ने खिड़की खोल दी, खिड़की खुली धसे बनाफर है माड़ो मा मनिया सुमिर महोबा चारे। अब बाजे बाजा बैरागिन के जो को सुने तो मोही रही जा। बरकारी बनिया बांध दुकानिया आओ बाबा गलिहन पछुआ, भाई कुघारू मांगे दुई घर छोड़ तीसरे घर पहुंच जाए। मारवार की अब गलियन मा भटकत फिर बना भर राय, चौपड़ कुआ जहां माड़ो का जोगी हुआ पहुंच गए जाए। चिमटा गाड़ी कुआं पर दिहने धूनी दिहने अपन लगाई, तब सुनो कहानी अब आगे कहे सुनवाई बोलवनाई। जहाँ भारी जम घट है कुना पहे सुनवाई बोलवनाई। कौ कौ सारा कौन उठारा कौ कौ हमी सबर कैनात, चढ़ी जवानी की मस्तानी छतिया यौवन करे बहार। सुनो कहानी अब आगे कह भैया खता माफ हो जाए, यही बैरागी महुबा वाले माड़ो वटे बराबर जाए। भेद ले आए गढ़ माड़ो का है सुन भैया बोलवनाए, धुरा दबाए बबुरी आए भाई लड़ाई फिर मारो माँ भाई अहमानो कहा कबलीला बना फरन कह जिन कह बेणी बहाय तलवार, आज बेंदुला का चढ़वैया मेहनत खाई चली है तलवार, चुनो पे यौ गुजराती यौ ना चलाए बिलायत ज्ञान, जंग जीती मारो माँ लिहनो जिनका कहा बना फरराय, ओ कवली ला बना फरन कहे सुन भैया बोल। गिन गिन बदला सब लिहनो यो दुनिया का दिया दिखाए, जैसी करनी तैसी भरनी भैया खता माफ हो जाए। जैसी लड़ाई रह माड़ो के हम थोरे माँ दिया सुनाए, हम ही थे आल्हा बांध करेंगे उम्र तक सीर माफ हो जाए। जाओ सर दो तुम ढोलक से जोड़ से जाओ वीर हनुमान, कंठ से जाओ माँ कंठे स्वर माता हो बंद करेंगे गान, हम जब जब याद किया सह रामा तब तब लाज बचायो आए। ओ समय परे पर फेरी बोले, समय परे पर फेरी बोले पे बिनती सुनो भगवती माँ।
जोरदार तालियां ये प्रस्तुति आपके समक्ष दे रहे थे उत्तर प्रदेश से पधारे कलाकार श्री रामरथ पांडे और उनके साथी। इन सभी कलाकारों के प्रति हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एकलव यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।